तुम मानोगे नहीं, फ्लिपकार्ट में मेरे 8 राउंड हुए। तो जैसे मेरे को डिजाइन को लेके काफी इंटरेस्ट था, तो मैंने फोर्थ ईयर में ही डिजाइन पढ़ना चालू कर दिया था। तो यार मशीन कोडिंग राउंड एग्जैक्टली होता क्या है, उसके बारे में बताओगे थोड़ा? करना तो चाहता था सैलरी नेगोशिएशन, बट ऐसा हो नहीं पाया सैलरी नेगोशिएशन। हाय गाइस, मैं निशांत, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। यार आज की वीडियो में हमारे साथ हैं श्रेयांश, ठीक है। वो एक टीयर 3 कॉलेज से थे, टीयर 3 प्राइवेट कॉलेज से। उन्होंने अभी रिसेंटली 5 ऑफर्स क्रैक किए हैं एंड 1.5 साल में वो SD2 बन गए हैं, ठीक है। जो अभी रिसेंटली उन्होंने कंपनी ज्वाइन करी है टेकियन, उनमें ही इज करेंटली वर्किंग एज अ SD2। सो ही स्टार्टेड विद 6.57 LPA एंड अभी उनकी करंट जो CTC है वो 50 के अराउंड है। एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते, बट तुम जंप देख रहे हो, ठीक है, 9 times से ज्यादा का जंप है। तो काफी सारी चीजों के बारे में बात करने वाले, एक बार उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर आगे वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो यार श्रेयांश, अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देना। हाँ, तो मैं श्रेयांश, मैं एक्चुअली BTech करा था SRM यूनिवर्सिटी से, और मैंने कंप्यूटर साइंस में करा था इंजीनियरिंग। और मतलब पता नहीं था कि कौन सा ब्रांच लेना है, हर समय हम लोग कन्फ्यूज रहते हैं, तो कंप्यूटर साइंस ले लिया। वही है कि भीड़ के साथ चला गया, और फिर अभी तो वही है, उसके बाद जॉब करने लगा तो पता लगा कि यार मेरे कैंपस में भी लोगों ने ऐसे नहीं है कि निकाला नहीं था, लोगों ने बहुत फाड़ा था, बट वही है कि एक बैन लग जाता है ना कि एक कंपनी में होने के बाद दूसरे कंपनी में बैठ नहीं सकते, तो उसके वजह से मैं रुक गया था बहुत सारी कंपनीज में। लेकिन फिर अभी मौका मिला तो अभी मैंने थोड़ा बहुत कुछ कर लिया, अब SD2 पहुंच गया। सर श्रेयांश, वो जर्नी कैसी थी, मतलब स्टार्टिंग में जब आप कॉलेज में थे तो आप ऑफ कैंपस तो ट्राई कर ही रहे हो क्योंकि ऑन कैंपस एक के बाद बैन लग गया था, तो उसके बाद और अभी थोड़े एक्सपीरियंस के बाद अब ऑफ कैंपस अप्लाई करने में क्या डिफरेंस था? तो उस टाइम तो यार पता नहीं था कि कैसे ऑफ कैंपस अप्लाई करते हैं, तो ऑफ कैंपस भी अप्लाई करने की कोशिश कर रहा था, तो ऐसे ही डायरेक्ट करियर्स पोर्टल में जाके अप्लाई कर दे रहा था या लिंक्डइन में जॉब्स में अप्लाई कर दे रहा था। तो उस टाइम समझ नहीं थी कि कैसे अप्लाई करना होता है, लोगों को रीच आउट करना होता है रेफरल बिना, जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में अप्लाई कर देता था बिना रेफरल के, और शॉर्टलिस्ट होती नहीं थी। मेरे को लगता था पता नहीं किसके सेलेक्ट करता है ये रेज्यूमेस। तो उसके बाद फिर मैंने अप्लाई करा, मतलब अब पता लग गया कि कैसे अप्लाई करते हैं, लोगों को देखा, सीखा, कुछ थे रिक्रूटर्स उनसे बात करी और फिर अप्लाई कर दिया। तो अब समझ में आ गया मतलब कि कैसे अप्लाई करते हैं, और वही है कि अप्लाई करके अब पहुंच गया यहाँ पे। काफी सही यार, काफी सही। तो श्रेयांश के पास ना अभी 5 ऑफर्स हैं, उनमें से 3 जो मेजर कंपनी है वो फ्लिपकार्ट, शेयरचैट और तुम्हारी टेकियन है। तो उनके थोड़े प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि तीनों के क्या कितने कितने राउंड होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं हर उसमें। तो शेयरचैट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसमें SD1 ही ऑफर हो रहा था, उसके बाद फ्लिपकार्ट और टेकियन दोनों में SD2 ऑफर हुआ है भाई को। तो शेयरचैट का मैं बताना चाहूंगा, 2 राउंड हुए थे मेरे, मतलब पहले एक कोडिंग राउंड था, उसके बाद 2 इंटरव्यू राउंड थे। तो इंटरव्यू राउंड में पहला DSL को राउंड था और दूसरा LLD राउंड था, तो उसमें लो लेवल डिजाइन था और उसके बाद बस सिलेक्ट थे, तो यही था मतलब शेयरचैट का। ठीक है, तो एक इसमें LLD बोला, तो लो लेवल डिजाइन पढ़ाई वढ़ाई कैसे करी, मतलब प्रिपरेशन के लिए क्या रिसोर्सेज वगैरह यूज कर रहे थे? ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा अल्मा बेटर के बारे में। यार एक यूनिक लर्निंग प्लेटफॉर्म है फॉर डेटा साइंस एंड इनका काफी अमेजिंग अप्रोच है टू हेल्प यू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। अब यार प्लेसमेंट्स का इनका क्या सीन है, यार ये तुम्हें एक प्लेसमेंट गारंटी ऑफर करते हैं, 6 to 25 LPA तुम्हें मिल रहा होगा। यार एक बस सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं है, तो इनका जो करिकुलम है उस वजह से काफी अच्छे से डिजाइंड है। अब तुम्हें लग रहा होगा यार अगर ये प्लेसमेंट गारंटी कर रहे हैं तो इनकी फीस काफी ज्यादा होगी, बट ऐसा नहीं है, इनकी इफेक्टिव जो कॉस्ट है वो 0 है एज सून एज यू गेट अप जॉब, उसके बाद तुम्हें इनको पे करना है, ठीक है, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम। अब कुछ मंथ्स के लिए तुम्हें करना है फिक्स परसेंटेज ऑफ योर सैलरी, ठीक है। अब यार जो मैंने इफेक्टिव फीस 0 की बोला था, क्योंकि जो इनका सेल्फ पेस्ड कोर्स है उसकी कॉस्ट यार तुम्हारी 13K है, एंड जो इनका लाइव कोर्स है दैट इज कॉस्टेड एट 20K। अब यार ये जो तुम्हें पूरा अमाउंट है सारा रिफंड हो जाएगा एज सून एज यू कंप्लीट द कोर्स। इसके अलावा यार तुम्हें 25% ऑफ मिल रहा होगा तुम नीचे वाले लिंक से जा रहे हो, एंड इफ यू यूज माई कोड Nishant25। एंड यार इन्होंने काफी प्रीमियम नेटवर्क और कम्युनिटी बना दी है वर्किंग प्रोफेशनल्स की, जिसमें तुम्हारे यार सीनियर डेटा साइंटिस्ट है, जिसमें मशीन लर्निंग इंजीनियर्स वगैरह हैं, एंड यार यहाँ पे 200+ हायरिंग पार्टनर्स, स्टूडेंट्स एंड एल्यूमनाई है इनकी पूरी कम्युनिटी में। अब अल्मा बेटर का जो यार करिकुलम है उसमें तुम्हारी केपस्टोन प्रोजेक्ट, पर्सनलाइज 1-on-1 मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग सेशन, उसके बाद तुम्हारे यार विजुअल एलिमेंट्स होते हैं एंड तुम्हारे गेमिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, एंड इनमें तुम यार लाइव और सेल्फ पेज में चूज कर सकते हो जो तुम्हें बढ़िया लगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। तब बढ़ते आगे वीडियो की तरफ। तो जैसे मेरे को डिजाइन को लेके काफी इंटरेस्ट था, तो मैंने फोर्थ ईयर में ही डिजाइन पढ़ना चालू कर दिया था, क्योंकि मेरे को लगा था कि काफी कंपनीज है डिजाइन पूछती है, और डिजाइन और कोडिंग दोनों आना चाहिए, क्योंकि
कॉलेज में तो कोडिंग वगैरह छोड़ दिया था सबसे पहले, तो करा नहीं था क्योंकि इतने मतलब घर से बाहर निकल के, जैसे मैं कोलकाता में रहता हूँ तो मैं चेन्नई में कॉलेज किया था तो पता नहीं था कि क्या करना है। सेकेंड ईयर में जब फोकस आया तब पता लगा डीएसए करना है, डीएसए करते गए, लेकिन वही है कि उसके बाद पता लगा कि लोग डिज़ाइन वगैरह भी पूछते हैं तो उसके ऊपर भी फोकस करने लगा और मेरा मुझे डिज़ाइन फेवरेट लगने लगा। तो जो भी होता था डिज़ाइन, जैसे गूगल डॉक अब हम लोग यूज़ करते हैं उसका डिज़ाइन पढ़ लेता था, या कोई भी चीज़ जो हम लोग रेगुलरली यूज़ करते हैं उसका डिज़ाइन वगैरह पढ़ लेता था, तो यही करता था। तो ऐसे ही मैंने लो लेवल डिज़ाइन और हाई लेवल डिज़ाइन दोनों पढ़ा है। तो इसके लिए मैंने यूट्यूब वीडियोज़ फॉलो करा है कुछ, और बाकी मैंने कुछ मटेरियल्स फॉलो करा है जैसे ग्रॉकिंग सिस्टम डिज़ाइन और मतलब गिटहब लिंक्स, ये सब फॉलो करा है। और यार अगर तुम्हें सिस्टम डिज़ाइन वगैरह पढ़ना है तो सिस्टम डिज़ाइन प्राइमर करके एक गिटहब रेपो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर तुम्हें पढ़ना वढ़ना स्टार्ट करना है वहाँ से देख सकते हो। श्रेयांश ने वो भी काफ़ी रेफर किया था, बता रहा था मेरे को ये। सो नेक्स्ट जो कंपनी थी यार वो फ्लिपकार्ट थी, तो फ्लिपकार्ट का थोड़ा प्रोसेस बताओ क्या? तो तुम मानोगे नहीं, फ्लिपकार्ट में मेरे 8 राउंड हुए। तो राउंड ऐसे थे कि यार ऐसे जनरली 6 राउंड होते हैं, बट मेरे को उन लोग कंफर्म नहीं थे कि SD1 में लेना है SD2 में लेना है, तो उन्होंने फिर SD2 के लिए मेरे 2 राउंड एक्स्ट्रा लिए, तो 2 बार रेजर राउंड हुए थे मेरे लास्ट में। तो अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो पहले टेक्निकल फोन स्क्रीन राउंड होता है, उसके बाद मशीन कोडिंग राउंड होता है, मशीन कोडिंग राउंड क्लियर करने के बाद DSLGO राउंड होता है, DSLGO के बाद हमारा सिस्टम डिज़ाइन राउंड होता है और उसमें सिस्टम डिज़ाइन पूछते हैं, उसके बाद हमारा हायरिंग मैनेजर राउंड होता है, फिर HR राउंड होता है। इसके बाद मेरा 2 बार रेजर था, तो यही था मेरा जो प्रोसेस था इंटरव्यू का। ओके। तो यार मशीन कोडिंग राउंड एग्जैक्टली होता क्या है, उसके बारे में बताओगे थोड़ा? तो मशीन कोडिंग ये होता है कि जैसे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाएगा और आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, तो जैसे मेरे को 1.5 आवर दिया गया था और एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया था, तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मुझे 1.5 आवर में करना है और पास में इंटरव्यूअर बैठा रहेगा, वो पूरा देखेगा, स्क्रीन पूरा रिकॉर्ड हो रहा होगा और वो पूरा देखेगा। 1.5 आवर के बाद हमारा 1 आवर का एक डिस्कशन होगा कि मैंने कैसे इम्प्लीमेंट किया, और उसमें कोई डेटाबेस हमें यूज़ नहीं करना है, इन मेमोरीज डेटाबेस यूज़ करना है और ऊप्स कॉन्सेप्ट से लेके हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है, ये होता है मशीन कोडिंग राउंड। एक तरीके से लो लेवल डिज़ाइन टाइप की चीज़ करनी होती है। हाँ, आजकल कुछ कंपनीज फोकस करने लगी है मशीन कोडिंग राउंड पे, तो ये बन गया। ठीक है। सो नेक्स्ट जो कंपनी थी वो टेकियन थी, जिसमें अभी करंटली श्रेयांश काम कर रहा है, तो यार उसका प्रोसेस बताओ थोड़ा सा। तो टेकियन का मैं ये बताऊंगा कि यार टेकियन का प्रोसेस जो था उसमें मेरे 4 राउंड हुए थे। तो पहला वही फोन स्क्रीन था, उसके बाद DSLGO राउंड था, उसके बाद लो लेवल डिज़ाइन था, फिर सिस्टम डिज़ाइन था और फिर हायरिंग मैनेजर का राउंड था। तो ये राउंड्स थे और इसके बाद टेकियन हो गया। ठीक है। सो अब यार SD1 के भी काफ़ी प्रोसेसेस इंटरव्यूज दिए आपने और SD2 के भी दिए, तो इनकी प्रोसेस में क्या कितना डिफरेंस था, उसके बारे में बताओगे थोड़ा? तो दोनों के प्रोसेस में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, मतलब SD1 में उन लोग ज़्यादा DSLGO में फोकस करते हैं, SD2 में थोड़ा डिज़ाइन पर्सपेक्टिव ज़्यादा रहता है, तो मतलब देखते हैं कि आपका सोचने का तरीका कैसा है। बट मैं ये बोलूँगा कि SD1 में जो प्रिपेयर करते हो ना वो SD2 में काम आता है। तो जैसे क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज करता है और वही थिंकिंग एबिलिटी हमें डिज़ाइन में चाहिए, डिज़ाइन राउंड में, और क्योंकि स्केलेबल बनाना है हर सिस्टम जो वो पूछते हैं उसको स्केलेबल बनाना है, या अवेलेबिलिटी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, तो ये सब DSA से ही आती है एक तरीके से। तो ये डिफरेंस, वैसे यही डिफरेंस है कि मतलब सिस्टम डिज़ाइन ज़्यादा फोकस होता है और यहाँ पे DSLGO ज़्यादा फोकस होता है। ओके, ठीक है, समझ गया। मतलब एक और चीज़ ऐड हो जाती है जो तुमने एक तो कंपनी में काम किया होता है, एक्सपीरियंस रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछते होंगे थोड़े बहुत कि कौन से प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम किया, इसके अलावा थोड़ा तुम्हारा ये सिस्टम डिज़ाइन भी ऐड हो जाता है। ठीक है यार, कहते हैं कि हाई स्केलेबल सिस्टम पे तुमने काम किया है क्या, जैसे मतलब प्रीवियस वर्क में क्या क्या डेवलपमेंट किया है, हाई स्केलेबल कुछ काम किया है क्या, तो ये सब भी आ जाता है उसमें। ओके, तो प्रीवियस एक्सपीरियंस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछते हैं। अब यार सैलरी नेगोशिएशन का कुछ थोड़ा आइडिया होगा आपको, क्योंकि आपने 4-5 ऑफर लिए तो फिर बेस्ट ऑफर चूज किया है अगर, या फिर तो सैलरी थोड़ी बहुत नेगोशिएट करी होगी, तो उसका थोड़ा बताओगे क्या क्या सीन होता है? वैसे करना तो चाहता था सैलरी नेगोशिएशन, बट ऐसा हो नहीं पाया सैलरी नेगोशिएशन, क्योंकि सबका एक रहता है कि हम इतने लिमिट से इतने लिमिट में ही दे पाएंगे, तो बड़ी कंपनीज का ऐसा रहता है कि हम इससे ऊपर नहीं दे पाएंगे, इससे ऊपर SD3 जाते हैं या SD4 जाते हैं, बट ये इतने सारे ऑफर्स थे तो सबके मैक्सिमम लिमिट तक मिल गया, उसके आसपास वही था।
और ओके सो मतलब भाई एक बैंड होता है, एक बैंड के बीच में एक्स और वाई का बीच में, तो वाई वाला रेंज तुम मैक्स अचीव कर सकते हो अगर तुम्हारे पास मल्टीपल ऑफर्स हैं, तो तुम हर उस कंपनी के उस बैंड तक जा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरव्यूज, की इंटरव्यूज वगैरह कैसे गए हैं, राइट? इसमें एक और पॉइंट था, जैसे हर एक इंटरव्यू में एक रेटिंग मिलती है, तो उस रेटिंग पे ही आपको बैंड डिसाइड होता है आपका। अगर आपको जैसे एक इंटरव्यू लेते हो तो उसमें आपको आउट ऑफ 10 रेटिंग मिलता है, तो हर एक इंटरव्यू का कैलकुलेट होता है और एंड में जो रेटिंग बनती है उसके हिसाब से बैंड डिसाइड होता है। उससे 1-2 लाख ऊपर हो सकता है, मतलब जो बैंड डिसाइड हुआ उससे ज्यादा वो नहीं ऑफर कर पाएंगे। ओके ओके और प्रीवियस कंपनी के सीटीसी पे कुछ डिपेंड करता है, मतलब ऐसा कुछ होता है कि प्रीवियस कंपनी इस पे इतना ही हम रेज देंगे या फिर कुछ? मतलब प्रीवियस कंपनी के सीटीसी पे हाँ डिपेंड करता है, क्योंकि उससे ही रेज होता है और फिर वो बैंड देखते हैं कि रेटिंग्स क्या है और उस हिसाब से वो देते हैं। तो प्रीवियस कंपनी की सीटीसी भी काम आती है, उससे थोड़ा बहुत हाइक मिल जाता है। ठीक है श्रेयांश, तो अपनी इस पूरी जर्नी से कुछ तुम्हारे सजेशंस वगैरह हो तो उसके बारे में बताओगे? सजेशंस यही होगा जो अभी कॉलेज में है उनको यही बोलूंगा कि डीएसए करना चालू कर दो। मतलब डीएसए बहुत काम आता है, एक तो लॉजिकल थिंकिंग बढ़ाता है और एक अपना मतलब थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ाता है कि कैसे सोचना चाहिए, और मतलब अगर कुछ रियल लाइफ सिनेरियो आ गया कि इसमें क्या होगा उस टाइम ही सोच सकते हैं वो चीज़, तो एक वो डीएसए से काम आ जाता है। और जो अभी मतलब काम कर रहे हैं उनको भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे अगर SD1 के लिए देख रहे हो तो रोज 2-2 प्रॉब्लम करते रहो, ऐसे प्रैक्टिस बनी रहेगी और छोड़ो मत। और क्योंकि अगर छोड़ते हो ना तो प्रैक्टिस करना और प्रीवियस के टॉपिक्स हम लोग भूल जाते हैं, तो वही है कि उसको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। और जो SD2 के लिए देख रहे हैं वो डिज़ाइन पे फोकस करें थोड़ा, अगर उनका कोडिंग उतना अच्छा नहीं है तो फिर भी ठीक है, कोडिंग मीडियम रख के भी डिज़ाइन पे अगर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि डिज़ाइन और हाई लेवल डिज़ाइन ही पूछते हैं, तो यही सजेस्ट करूंगा मैं लोगों को। ओके मतलब DSL के ऊपर तो ध्यान दो ही दो अगर तुम कॉलेज में, अगर कॉलेज में नहीं हो फिर भी अगर एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत ही है और कंपनी स्विच करें DSA तो पूछेंगे यार, बट अगर तुम SD2 वाला बैंड देख रहे हो तो उसके लिए तुम्हें हाई लेवल डिज़ाइन भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए मैंने जो सजेशन एक बताया था वो तुम नीचे सिस्टम डिज़ाइन प्राइमर का लिंक तुम्हें मिल जाएगा, तुम वहाँ से जाके मतलब पढ़ सकते हो। सो यार थैंक यू सो मच श्रेयांश, तुम्हारे साथ बात करके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में पता चला हमें। थैंक यू यार मुझे इन्वाइट करने के लिए, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोग जो काम करते रहते हो यूट्यूब पे उससे हमें भी काफ़ी मोटिवेशन आता है कि हम भी कुछ करें, और इसलिए शायद मैं भी लोगों का मोटिवेशन बन रहा हूँ। तो मतलब काफ़ी लोगों ने रीच आउट किया कि हम भी मोटिवेशन लेते हैं और ये सब जूनियर्स वगैरह, तो मैंने बोला कि मैंने सोचा कि शायद मैं भी इस मुकाम पे हूँ, लोगों को गाइड कर सकता हूँ। बढ़िया यार बढ़िया। सो यार इतना ही था यार आज वाली वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, बाकी श्रेयांश से कनेक्ट करने के लिए अगर लिंक्डइन पे तुम्हें कनेक्ट करना है उसका लिंक तुम्हें मिल जाएगा, तुम जाके कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। इतना ही था यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।